कई लोग इन्हें बम वाली माता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बम वाली माता? क्योंकि यहाँ पे आज भी 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय पे पाकिस्तान की तरफ से जो बम गिराए गए थे वो बम आज भी यहाँ पे जीवित पड़े हुए हैं। वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त निशांत। हां जी, तो सुबह सुबह बिल्कुल नहा धो के अपन रेडी हो चुके हैं, अभी निकलने वाले हैं अपन ब्रेकफास्ट करने। हां जी, तो अभी एक बार तो जाने वाले अपन ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट करके फिर निकल जाएंगे अपन सीधा लोंगेवाला बॉर्डर तनोट माता मंदिर के लिए। तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहना, आगे वीडियो को पूरी देख के जाना। और हाँ, एक काम पहले कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो एक बार तो ब्रेकफास्ट करके आते हैं। बाकी अपना सामान ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुका है, अब बस चार्जर वार्जर जो पड़े वो आके समेटते, एक बार जाते ऊपर चाय वाय पी के आते भैया, क्योंकि बिना चाय के ना दिन नहीं निकलता है। बाकी ये प्यारा सा रूम था, आपने देख ही लिया होगा पहले भी। हाँ जी, तो अभी आ चुके हैं अपन ब्रेकफास्ट करने के लिए, एक लाइट सा ब्रेकफास्ट करते हैं। बाकी अपने पीछे फोर्ट दिख रहा होगा आपको, अच्छा फ्रंट में जो मैंने होता है, बाकी पीछे आपको फोर्ट दिख रहा होगा। बस आज अपना लास्ट दिन है जैसलमेर में, यहाँ से निकल जाएंगे अपन सीधा आज तनोट माता मंदिर, तनोट माता मंदिर से सीधा लोंगेवाला बॉर्डर, वहाँ से सीधा अपन चले जाएंगे कैंप साइट पर। एक बार तो चाय पीते क्योंकि अपनी आँखें नहीं खुल रही बिना चाय के अभी तक तो। हाँ जी, तो अपना ब्रेकफास्ट हो गया, आगे अपन रूम में, अब बस यहाँ से निकलते हैं सीधा। मैं 3 दिनों से इस रूम में रह रहा हूँ और आज मुझे पता चला कि मेरे इस रूम की विंडो से भाई साहब जैसलमेर फोर्ट दिखता है। इस विंडो पे भाई साहब मैं आज आया हूँ 3 दिनों में। बाकी अपना सामान ऑन पैक हो चुका है, बस अब निकलते हैं अपन, जाते हैं नीचे। हाँ जी, तो बाइक का पेट तो फुल हो चुका है, इधर प्राइस और अलग ही चल रहा है पेट्रोल का, 111 आता तो मैं इस पेट्रोल के चक्कर में लूट जाता हूँ। हमें तो पेट्रोल ने लूटा, पानी में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पेट्रोल बहुत था। वाह 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 वाह, इसी घटिया शायरी के साथ में आप कुछ रास्ते एंजॉय करो। वाह हो भाई साहब, आगे देखो यार, विंड मिल्स कितने प्यारी लग रही है। वेस्ट साइड में आप कहीं भी जाओगे ना भारत के, ऑलमोस्ट आपको ये विंड मिल्स मिल जाती है और इतनी प्यारी लगती है ना यार, सीरियसली अमेजिंग, गजब की। अरे कैमरा एक्चुअल में वो चीज़ आपको शायद से दिखाता है, नहीं दिखाता मुझे नहीं पता, बट मुझे जो दिखाता है वो बड़ा मस्त दिखाता है, बट आपको जो दिखाता है वो मुझे नहीं पता ना, और जो मुझे दिखाता है वो आपको नहीं पता है। कुछ समझ आया नहीं आया, कोई बात नहीं छोड़ो। वैसे राजस्थान को लेकर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई साहब राजस्थान में सिर्फ रेत ही रेत है और कुछ नहीं है। मैं जैसलमेर में आके 3 दिनों से रेत ढूंढ रहा हूँ, मुझे आज तक रेत नहीं मिली है। और उधर मेरे घर वालों को ये लगे जा रहा है भाई साहब इधर अलग ही लेवल की रेत होगी कहीं, जिसमें रेत 5 मिनट में हवा से इधर की उधर हो जाती है। मेरे घर वाले मेरे को अलग ही डरा रहे हैं, और यहाँ मैं देख रहा हूँ इससे ज़्यादा रेत तो मेरे को मेरे इधर दिख रही है। वैसे ऐसा नहीं है, रेत दिखेगी अपने को, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे अभी अपन 30-40 किलोमीटर आगे, फिर अपने को रेत दिखने चालू हो जाएगी। रामगढ़ से आगे ऑलमोस्ट रेत दिख जाएगी शायद से। ऐसा पिछले 10 मिनट से मैंने हैंडल नहीं मोड़ा, हैंडल को हल्का सा भी इधर उधर नहीं किया है, गाड़ी स्ट्रेट चल रही है पिछले 10 मिनट से। इतना गजब का और इतना मस्त हाईवे है ना, मजा आ गया। और बीआरओ वाली रोड वैसे होती गजब की है। फाइनली भाई साहब, फाइनली इतना चलने के बाद में फाइनली अपने को प्योर रेत वाली जगह मिल चुकी है। प्रॉपर रेत वाली जगह पे चला हूँ, ये दोनों तरफ आपको दिख रही है, ये सिर्फ रेत है और प्योर रेत है, और कितने मस्त लग रहा है। वाह, भाई साहब गजब 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 गजब। भाई साहब एक्चुअल ओरिजिनल रेत अब आई है, दोनों तरफ सिर्फ रेत है,
माय गॉड, इतनी खुशी मिल रही है ना, गजब की। यार सीरियसली बोल रहा हूँ ना, कोई साथ में नहीं है, इतना उस चीज़ को मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। अगर कोई साथ में होता ना, इतने प्यारे वीडियो और फोटो बनते ना यहाँ पे, यार बता नहीं सकता। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इतनी गजब की रील और शॉर्ट्स बनते, बट कोई बात नहीं। सब यहाँ ये जो घास उग रखी है या उगा रखी है, आई डोंट नो, बट एक क्रॉस शेप में कैसे ऐसे। वाह, ये अलग ही उगा रखी है, पता नहीं उगाई है या नेचुरली ऐसी है, या तो एकदम स्ट्रेट लाइन में एक जैसी, या फिर एक क्रॉस में, बट जो भी है लग अच्छी थी जी। तो फाइनली अपन आ चुके हैं माता जी के मंदिर के यहाँ। बाइक वाइक पार करते हैं, माता जी के चलते अंदर दर्शन करने के लिए। हाँ जी, तो अभी आ चुके हैं अपन माता श्री तनोट राय मंदिर में। हाँ जी, तो अभी हूँ मैं बम वाली माता यानी कि तनोट माता के मंदिर में। कई लोग इन्हें बम वाली माता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बम वाली माता? क्योंकि यहाँ पे आज भी 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय पे पाकिस्तान की तरफ से जो बम गिराए गए थे, वो बम आज भी यहाँ पे जीवित पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि 450 से ज्यादा बम यहाँ पे आज भी है जो जिंदा है। यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से 3000 से ज्यादा बम गिराए गए थे, पर एक भी बम ऐसा नहीं था जो यहाँ पे फटा हो या मंदिर को कोई नुकसान हुआ हो। इतना सा भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे आज भी माता जी की पूजन और सब कुछ बीएसएफ वाले ही करते हैं, फौजी ही करते हैं। यहाँ पे युद्ध के बाद में एक विक्ट्री पिलर भी बनाया गया और अपने देश का यहाँ पे झंडा भी लगा हुआ है। बाकी यह जगह कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना है।